क्या नाम है आपका? रामकृष्ण श्रीवास्तव। कौन सा गांव है? ग्राम गनगोला। ग्राम गनगोला, थाना दातागंज, तहसील दातागंज, जिला बदायूं। ये आपका हाथ कैसे टूटा हुआ, क्या हुआ? मैं बाजार से आ रहा था दातागंज जी, स्कूल के पास। मेरा भतीजा मुझसे पहले आ रहा था, उसे दातागंज के संजू गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, उनके लड़कों ने अपने गुंडों के साथ घेर लिया, जैसे रोड होल्ड करते हैं वैसे जी, और इसे मारते हुए घसीटते हुए अपने, मतलब आपको भी मारा, आपके बेटे को भी मारा, ले जा रहे थे। मैं बुजुर्ग इंसान और स्पाइनल का मरीज, इसलिए मैं बाइक के पास खड़ा रहा रोड पे। मैंने कहा बेटा मारना मत। इतने में ही उन्होंने मेरे तीन डंडे मारे, एक मेरे सिर में लगा, एक मेरे ये कान के पास लगा, और एक मुड्ढे में लगा, मुड्ढा टूट गया। अच्छा, ये आपके बराबर बेटे हैं? भतीजा है, भतीजा। भतीजा जी, क्या क्या हादसा हुआ आपके साथ? हाथ टूटा हुआ आपका है? मेरे साथ 15 दिन पहले कासुनी हो गई थी खेत के पीछे। अच्छा, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, कहना मैं साले देख लूंगा तुझे। तो मैं ऐसे शुक्रवार दिन मैं बाजार से आ रहा था, तभी संजू गुप्ता, गुड्डू गुप्ता इनके लड़के थे, जितिन गुप्ता, सुबल गुप्ता और जितिन गुप्ता और मतलब गुप्ता और कन्हैया। अच्छा, और इनके लड़के थे, अन्य साथियों के साथ मुझे घेर लिया, मेरे सर पर हमला किया, प्राण घातक हमला किया, मुझे खींच कर ले गए थे अंदर, मुझे बहुत मारा। तभी मेरे चाचा और मेरे भाई थाने गए, थाने से कांस्टेबल आए, तब मुझे वहाँ से ले गए। 112 जो पुलिस सेवा है, मतलब सर्विस है, वहाँ आपने कॉल नहीं? मैंने सोचा 112 पे देर होगी जी, पास में था थाना। अच्छा अच्छा, पास मैं और मेरा भतीजा बाइक से चला गया, दरोगा जी मिले। मैंने कहा साहब जल्दी फोर्स भेज दीजिए, कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने बंद कर रखा भतीजे को, जान से मार। कितने देर पुलिस आ गई वहाँ पे? पुलिस तुरंत आ गई 10-15 मिनट के अंदर। मतलब पुलिस आई और उन्होंने हुटर सुना और वो भाग गए से छोड़ के। और जो मेरे साथ पुलिस के साथी गए थे, उन्होंने इनका वीडियो बनाया, खून बहता देखकर मुझसे कहा इन्हें जल्दी ले जाओ, इनका मेडिकल कराओ। मेडिकल की भी करती है, मेडिकल के लिए। अच्छा, फिर आपने मेडिकल करवाया? मेडिकल कराने बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो आपने थाने में जमा की? फिर उसमें जमा की। अच्छा, फिर वहाँ पे लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई दबंग नहीं। लोग हैं, दबंग लोग हैं, पैसा वाले धनाढ्य लोग हैं, और इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या है ये योगी शासन और भाजपा के शासन में इतनी गुंडागर्दी है? वोट दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर आप हम जैसे गरीबों की नहीं सुनी जा रही फिर हम क्या करेंगे? मेरी कार्रवाई हो। अच्छा, और मुझे न्याय मिले।